हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहा है कि हमें पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसको ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। इफ़ यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सोल्यूशन करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं। जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की उस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये तो इक्वेशन होगी। अब इस जो इक्वेशन है इसको ए वन एक्स जो बेसिक इक्वेशन होती है प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो यार ए वन की वैल्यू आएगी 1, बी वन की वैल्यू आएगी 1 एंड सी वन की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की होती है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहाँ से इनको कंपेयर करेंगे तो ए टू की वैल्यू निकल के आएगी, ए टू इक्वल टू 2, बी टू इक्वल टू भी 2 एंड सी टू इक्वल टू आएगा -10। ठीक है, इसके बाद इनका रेशियो निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू, ए वन ए टू का रेशियो है, ए वन की वैल्यू है 1 और ए टू की वैल्यू है 2, 1/2। ठीक है, इसके बाद बी वन और बी टू का रेशियो निकालेंगे, बी वन की वैल्यू है 1 और बी टू की वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह सी वन अपॉन सी टू, सी वन की वैल्यू है -5 और सी टू की वैल्यू है -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1/2। हमारे पास ए वन और ए टू का रेशियो 1/2 है, बी वन बी टू का रेशियो 1/2 है और सी वन एंड सी टू का रेशियो भी 1/2 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू। ठीक है, तीनों इक्वल है तो लाइन्स आर कोइंस तो लाइन्स आर को इंसिडेंट एंड दे आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ सॉल्यूशन करते हैं। एक इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, ग्राफिकली ग्राफ पर सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले से टेबल बनाते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था ना उसी तरह। यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई की, इसी तरह सेकंड इक्वेशन की भी करेंगे। ये एक्स और ये वाई, टू वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ एक्स की जगह हम वन पुट करें, एक्स की वन पुट करेंगे, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, पुट एक्स इक्वल टू 1, एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू आएगी 5 - 1 इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 4। उसके बाद एक्स इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई
इक्वल टू 5, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। जब x पुट किया तो y की वैल्यू आई 3, 2 3। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पर भी पुट x इक्वल टू 1, तो 2x 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 2 इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 पुट करी, इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू आएगा 6, y इक्वल टू आएगा 3। जब x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है भाई, यहाँ से हमारे पास आया कि x की जगह 1 पुट करेंगे तो y 4, x 2 है तो y 3 आएगा। सेकंड इक्वेशन में 1 और 4 इधर 2 और 3, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में राइट नोट डाउन करते हैं। ये तो है एक्स एक्स, ये है एक्स नेगेटिव, एक्स डैस कर दिया एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये 1 2 3 4, यहाँ से ये 1 2 3 4। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, एक्स की वैल्यू 1, एक्स 1 यहाँ पे है और वाई 4, एक्स 1 और वाई 4 दोनों को मिलाएंगे एक्स 1 तक और एक्स का 1 और वाई का 4, तो ये यहाँ मिलेगा। ठीक है भाई, ये बिंदु हो गए, अब एक्स की जगह 2 2 और वाई की जगह 3 2 और वाई की जगह 3, तो ये आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की। उसके बाद सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है उसके भी 1, इसके वही 1 4, इसी के वही बिंदु है। ठीक है, तो दोनों जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दोनों जो इक्वेशन है ना एक ही लाइन पे होंगे, यानी कि इस लाइन पे तो जितने बिंदु होंगे ना वो सभी इन दोनों को फॉलो करेंगे। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन इसी लाइन पे होंगी। ठीक है भाई, यानी कि लाइन आर कोइंसिडेंट है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफिनाइट होंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर इनफिनिट इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन पे जैसे 1 4 है, 2 3 है, ये 1 4 है, ये जो है 2 3 है, 0 5 5 0, मतलब इस लाइन पे जो बिंदु होंगे ना इन्फिनिट बिंदु होंगे, क्योंकि दोनों लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि फुल टाइम एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 1 4 2 3 ऐसे बहुत से होंगे। ठीक है भाई, इसके बाद सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16,
वो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इनके जो बेसिक फॉर्म है उसमें लिखेंगे, तो एक्स माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। बेसिक फॉर्म क्या होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए वन इक्वल टू वन, बी वन की वैल्यू आएगी माइनस वन और सी वन की वैल्यू आएगी माइनस एट। ठीक है भाई, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो यह है 3x माइनस 3y माइनस 16, उधर जीरो बच जाएगा। अब इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ए टू, हमें फाइंड होगा ए टू इक्वल टू थ्री, बी टू इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी टू इक्वल टू माइनस 16। अब यहाँ से इन दोनों को रेशियो निकालेंगे, ए वन बाई ए टू, ए वन की वैल्यू है वन और ए टू की वैल्यू थ्री। ठीक, उसके बाद में है बी वन अपॉन बी टू, बी वन की वैल्यू है माइनस वन, अब बी वन की वैल्यू है माइनस वन, बी टू की वैल्यू है माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी वन बाई थ्री। ठीक है, उसके बाद सी वन और सी टू का रेशियो निकालेंगे, सी वन की वैल्यू है माइनस एट और सी टू की वैल्यू है माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये एट से कैंसिल हो जाएगा, एट वन जा एट, एट टू जा 16, ये आएगा वन बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए वन और ए टू का रेशियो, बी वन बी टू का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका सॉल्यूशन ग्राफ पर फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सो लाइन्स आर पैरेलल दे आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पर फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सेकेंड है फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो इस जनरल फॉर्म होती है उसके उससे कंपेयर करते हैं दोनों को। जनरल फॉर्म होती है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। इसी जनरल फॉर्म होती है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए वन की वैल्यू फाइंड होगी हमें टू, बी वन की वैल्यू आएगी वन एंड सी वन की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स। अब यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए टू की वैल्यू आएगी फोर, बी टू की वैल्यू आएगी माइनस टू एंड सी टू की वैल्यू आएगी माइनस फोर। ठीक है, अब इनको रेशियो निकालेंगे, ए वन बाई ए टू, ए वन और ए टू का रेशियो, ए वन की वैल्यू है टू और ए टू की वैल्यू फोर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे टू से, तो ये आएगा वन बाई टू। ठीक है, उसके बाद में बी वन और बी टू को रेशियो निकालेंगे, तो बी वन की वैल्यू है वन और बी टू की वैल्यू है माइनस टू। ठीक है, उसके बाद सी वन बाई सी टू, सी वन की वैल्यू माइनस सिक्स है और सी टू की वैल्यू है माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टू से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा थ्री बाई टू। अब यहाँ से देखो ए वन बाई ए टू की वैल्यू वन बाई टू है, बी वन और बी टू का रेशियो वन बाई टू माइनस वन बाई टू है, सी वन और सी टू की वैल्यू थ्री बाई टू है, यानी कि तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू, यानी कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे और ये कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो सो लाइंस इंटरसेक्ट
लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वन पॉइंट दे आर एंड दे आर कंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ ग्राफ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो ग्राफ पर फाइंड आउट करते हैं। हमारी दो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकंड थी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है भाई, पहले तो इसकी एक सारणी बनाते हैं जो हम ग्राफ और सॉल्यूशन करने के लिए बनाते हैं, वो सारणी ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की ये बन गई x और y, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट से देखते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, तो उस तरफ जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। इसी तरह इसमें करेंगे, यहाँ पे है अपने पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस 2, यानी कि तो हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 2। ठीक, उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 0। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। अभी सारणी में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 आई, 1 रखेंगे तो 4 आएगी। सेकंड इक्वेशन में 0 पुट करेंगे x जगह तो माइनस 2 और 1 पुट करेंगे तो 0। इनको हम ग्राफ में देखते हैं। ठीक है भाई, तो इस ग्राफ में पुट करते हैं। ठीक है भाई, x की जगह x 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, एक तो बिंदु आ गई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 0 और 6 वाला। उसके बाद दूसरा है 1, x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y की वैल्यू आई थी 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, 4 है यहाँ पे, ये आएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू तो थी 1 और y की 4, इन दोनों को मिलाते हैं ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इस इक्वेशन की है। सेकंड जो इक्वेशन है उसकी लाइन, उसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, 0 और माइनस 2। उसके बाद सेकंड है x की वैल्यू, यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू माइनस 2 और x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, ये 1 और 0 को, इन दोनों को मिलाएंगे अब ये जो है, ये जो लाइन है ये इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 इसकी है। ठीक है,
दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, वो बिंदु है 2/2, 2 एंड 2, यानी कि एक्स की वैल्यू। अब जो दोनों दोनों दो इक्वेशन है, दोनों लाइन यहाँ पे 2 और 2 पे, यानी कि एक्स 2 और वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे क्रॉस करिए एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पर, वो पॉइंट है 2 2, यानी कि आंसर इसका आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2, ठीक है, 2 एंड 2, ठीक है भाई। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच गया फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो लास्ट पार्ट है, ये फोर्थ है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x-2y-2=0, सेकंड इक्वेशन है 4x-4y-5=0, इनको सबसे पहले क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म है उससे इनका जनरल फॉर्म है उससे इनकी इनको कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म है a1x+b1y प्लस c1=0, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 2, b1 की वैल्यू आएगी -2 और c1 की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है a2x+b2y+c2=0, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आएगी 4, b2 की वैल्यू आएगी -4 और c2 की वैल्यू आएगी -5, ठीक है भाई। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो a1/a2, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 4, दो 2/4 है, अभी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ पे b1/b2, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2 से कैंसिल आउट होगी, ये आएगा 1/2। उसके बाद c1/c2, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आएगी 2/5, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, यानी कि दोनों तो बराबर हैं लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसको लिखेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगा, सो लाइन्स आर पैरेलल एंड दे आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब यदि ये इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको ग्राफ पर फाइंड आउट नहीं।